हेलो एवरीवन। सो कंपनी है जुबिलांट फूड वर्क्स लिमिटेड, मंथली चार्ट लगा हुआ है। सो इस कंपनी में क्या है कि 2021 से कैंडल्स की जो मूवमेंट है वो लगातार डाउन साइड में चल रही है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं तकरीबन 922 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ये मूवमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, बिल्कुल डाउन साइड में आ चुकी है। और अब जो प्राइसिंग है वो 462 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कैंडल्स ने अपना एक बेस बनाया है, अब वहां से हो सकता है कि कैंडल्स फिर से अप साइड में टर्न लेते हुए दिखे। तो अपने को देखना क्या है कि क्या कैंडल टर्न ले पाएगी, यानी कि जो बैरिश ट्रेंड चल रहा है क्या वो बुलिश में एंटर हो पाएगा या फिर नहीं। सो उसी को देखने के लिए चार्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वीकली चार्ट के ऊपर, ताकि हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हम चेक कर पाएँ। तो देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके डबल बॉटम पैटर्न यहाँ बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। अब डब्ल्यू पैटर्न क्यों है उसका बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली देखा जाए कि जो पैटर्न्स की मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके की चल रही है, ये फिर एंड ये। अब यहाँ पे W पैटर्न का जो राइट हैंड पार्ट है वो बनना रह गया है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ जो लास्ट वीक की कैंडल बनी है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है अपसाइड में निकलने के लिए, हालांकि कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिला अभी भी। हो सकता है कि आने वाले वीक्स में या मंथ में कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल अपने को दे दे और ऊपर निकलते हुए कैंडल्स भी दिखें। सो फिलहाल ताज़ा हालात कंपनी के यही है, बाकी का देखते हैं कि आने वाले समय में क्या ये अपने को ऊपर की तरफ मूवमेंट दे पाएगा या फिर नहीं। जैसे एजुकेशन पर्पज ऑनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।